हेलो वेलविशर्स वेलविशर्स, मेरी हालत आज बहुत ख़राब है एंड आई एम लाइक कन्फ्यूज्ड एंड फाइनली आई एम हियर टू टेल यू कि मैं जा रही हूँ यूरोप एंड यूरोप ट्रिप मेरी फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड के साथ होगी. वी हैव बिन प्लानिंग दिस फ्रॉम पास्ट 4 मंथ्स. जनवरी में हमने बुकिंग्स एंड ऑल करवा ली थी एंड फाइनली द डेट इज़ हियर एंड आई वॉज जस्ट डाइंग टू टेल यू गाइज कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं अपने एनिवर्सरी पे एंड हाउ इट्स गोइंग टू बी. इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड. यूरोप में अब हम कहाँ जा रहे हैं वो आपको आगे आने वाले ब्लॉग्स में पता चलेगा. सो आपने टाइटल से पढ़ लिया होगा, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी देसी इंडियन पैकिंग फॉर एन इंटरनेशनल ट्रिप. सो वेरी वेरी एक्साइटेड टू शो यू वॉट ऑल आई एम टेकिंग. ऑब्वियसली 8 डेज का ट्रिप है एंड बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ती हैं इफ़ यू आर ट्रैवलिंग आउट, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक यूरोप. बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं आपको भी थोड़ा थोड़ा और डिटेल में बताऊंगी. एनी विच वेज, बहुत जल्दी और बहुत डिटेल में भी बताऊंगी. सो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ. दिस इज़ माय एरिया, दिस इज़ माय लाइक सूटकेस. ये मेरा वाला सूटकेस है, नहीं प्रतीक का सूटकेस है. तो मेरा सूटकेस मेन है, इसमें मेरी इस साइड वाले सेक्शन में सारी ड्रेसेस आ गई हैं एंड ये थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से क्लोथ रखे ताकि मेरा ये वाला सेक्शन ख़राब ना हो. सो ये पूरा जाम पैक्ड है, इसमें तो आपको व्लॉग्स में पता चलेगा व्हाट आई एम वेयरिंग. सो इस साइड ऑफ दूसरे साइड ऑफ द सूटकेस क्या होने वाला है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इस साइड ऑफ द सूटकेस क्या क्या सामान रखा है. सो गाइज, अभी आप देख सकते हैं आई जस्ट टेकिंग अ शावर एंड हाफ एन आवर में हम लोग निकलने वाले हैं एंड मेरी एंड मोमेंट पैकिंग एज ऑलवेज चालू है. सो मैंने एंड मोमेंट तक इसलिए बचा के रखा था ताकि मैं बता सकूँगी व्हाट आई एम गोना टेक टू दिस ट्रिप विथ मी. सो वी आर गोइंग टू यूरोप एंड मैंने कुछ खाने के लिए बहुत ही एसेंशियल आइटम्स रखे बिकॉज प्रतीक को नॉनवेज इतना ज़्यादा बाहर का पसंद नहीं करता एंड ही डजेंट यूजली प्रेफर्स टू ईट नॉनवेज. तो उसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ी. मेरे को भी बाहर का नॉनवेज पता नहीं क्यों यक लगता है. इंडिया में स्टिल आई कैन हैव लिटिल बिट बट बाहर का मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. सो येस, वी हैव टेकन अ लॉट ऑफ चिप्स. ठीक है, बहुत सारे चिप्स है. देन वी हैव मखानास इन 2 फ्लेवर्स में, विच इज फॉक्सनट मखाना इन क्रीम एंड आनियन फ्लेवर. देन दिस इज फॉक्सनट मखाना इन द पेरी पेरी फ्लेवर. सो ये 2 रख लिए हैं हम लोगों ने. एंड वी हैव कप नूडल्स, आवर फेवरेट, लाइक हम दोनों बहुत पसंद है. उसके बाद मैंने रखी है ये वाली दालमोट विच इज कॉर्नफ्लेक्स मिक्स दालमोट एंड 2 अंगल चिप्स के पैकेट. उसके अलावा बहुत ही अच्छी चीज़ मम्मा ने मुझे मेरे लिए बनवाई है, दैट इज गुड़ की टिक्की. सो प्रतीक और मुझे गुड़ की टिक्की बहुत अच्छी लगती है. इसको सिंधी में कहते हैं कुप्पर, मीठा कुप्पर. सो ये टिक्कीज है, लाइक वी हैव 7-8 ऑफ देम इन दिस बॉक्स. ऐसी टिक्कीज पैक करी हैं. सो वो हम लोग खाएंगे बिकॉज वहाँ रोटी का लाइक वी डोंट आई डोंट थिंक वहाँ रोटी मिल सकती है. सो दिस कुप्पर इज मेड अप ऑफ गुड़ एंड आटा. ठीक है, सो ये हम लोग रखना है. एंड वी हैव गॉट अचार, इसके मैंने थोड़ा सा अचार भी ले लिया, बहुत थोड़ा सा लिया है. पूरी देसी स्टाइल पैकिंग हम लोग भी करी है, मैंने करी है इस बार. एंड वी हैव गॉट सम बैंडेज क्योंकि मेरा एक न्यू शू है. जितने भी अच्छे ब्रांड का शू लो आपको शू बाइट तो हो ही जाता है. सो यस, वी हैव आई गॉट दिस बैंडेज. उसके बाद है हमारे पास प्लग्स. सो ये है सारे मतलब प्लग्स जो हम लोग बाहर गए हैं, हमें चार्जिंग पॉइंट में दिक्कतें आती है तो मेरे को इस बार बहुत अच्छे से आता है कि हमें प्लग पॉइंट्स रखना ही रखना है. सो गेट दिस प्लग पॉइंट्स इन केस मतलब कुछ भी चार्जिंग वार्जिंग करनी हो वहाँ पे प्लग पॉइंट्स नहीं होते हैं. सो यस, आई गेट दिस एंड चीज. सो मैं मालदीव ट्रिप में गई थी लास्ट, तो मैंने बहुत सारे न्यून शेड में स्क्रंचीज मंगा लिए थे. सो आई एम गोना कीप दीज, मेरे को पोनी हेयर स्टाइलिंग या पोनी टेल्स वगैरह में काम आ सकते हैं. सो स्क्रंचीज रखे हैं. एंड बहुत लोग आप लोगों से बहुत लोग पूछते हो हाउ डू यू स्टाइल योर ब्लैक बैकलेस ड्रेसेस और थोड़ा सा डीप नेक ड्रेसेस. सो गाइज, आई एम गोना टेक माय बूट टेप, दिस इज माय ऑल टाइम फेवरेट. ये बहुत ही काम की चीज होने वाली है मेरे इस ट्रिप में. दैट यू गोना सी व्हाट काइंड ऑफ आउटफिट्स आई एम गोना वेयर. आई होप जो वाइब है वहाँ की उससे वैसे टाइप के आउटफिट जाएंगे. बस यस, दिस इज द सेवियो. ये रखा है मैंने डबल साइज टेप. सो जैसे गिर रहा है या समथिंग इज ऑलरेडी रिवीलिंग एंड यहाँ से बटन खुल रहे हैं, सो दिस डबल साइड टेप बहुत ही काम आता है. सो ये मैंने रख लिया है. माई लास्ट थिंग विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर मी इज द स्ट्रेटनर क्योंकि डाइसन चलता नहीं है फॉरेन में. सो यस, स्ट्रेटनर से ही काम चलाना पड़ेगा. इवन दो स्ट्रेट हेयर लुक सो गुड ऑन मी, आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझे कॉमेंट किया है.
यस गाइस, उसके बाद ये है मेरा थोड़ा मेकअप, ज्वेलरी एंड एवरीथिंग। सो गाइस, मेन चीज तो मैं आप सबको दिखाना ही भूल गई, इस बार मैं क्या लेके जा रही हूँ जो मैं हर टाइम कंप्लेन किए मैंने। लेट मी शो यू, हर बार मुझे इस चीज की कंप्लेन थी, बट इस बार मैंने कहा चलो मैं लेके जाती हूँ। ये है गाइस, गाइस ये सिपर नहीं है, दिस इज अ जेट स्प्रे, दिस इज अ यू नो पोर्टेबल जेट स्प्रे। हम इंडियंस को इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है जब भी हम बाहर जाते हैं। सो येस, आई डोंट नो हाउ डज इट वर्क, अभी तो ये बहुत ढीला ढीला टाइप लग रहा है, काम की चीज़ है, मैंने इसको यूज़ तो नहीं करा है, मुझे पता भी नहीं है कैसे यूज़ होता है, तो ये देखते हैं इस बार इस ट्रिप में काम आएगा कि नहीं। पर मैंने ले तो लिया है यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है इसकी। तो गाइज, मैंने ये अमेजोन से ऑर्डर किया है एंड इसके साथ ये पाउच भी आता है, सो इट मेक्स इट क्वाइट ईजी टू यू नो टेक इट इन योर ट्रैवल बैग। That's pretty sums up कि मैं क्या क्या लेके जा रही हूँ to this trip and चलो अब wind up करते हैं packing। प्रतीक is also about to come, so let's go। So guys, कुछ खाने का आइटम प्रतीक के उसमें भी है, राजमा चावल और बिरयानी भी रखा है हम लोगों ने, और थोड़ा सा दाल चावल भी रखा था, ये दाल चावल है। प्रतीक, हम लोग ऐसे खाना लेके चल रहे हैं जैसे कि वहाँ पे कुछ मिलेगा ही नहीं खाने को हम लोग को। नहीं मिलेगा, बट कुछ कुछ जगह हम लोग बोल रहे हैं ना कि आप रख लो, क्योंकि we are traveling in cruise और पोर्ट्स होंगे यहाँ से वहाँ, तो उसमें फिर कुछ ना कुछ मंचिंग के लिए मिलेगा, तो वो तो नहीं खाया जाएगा, नहीं खाया जाएगा। हाँ, और ऑलरेडी मैं वेज ही खा रहा हूँ। हाँ, तो चाहिए चाहिए। ठीक है, एक्साइटेड? अभी एक्साइटमेंट आएगी धीरे धीरे, इट्स लाइक नॉर्मल फॉर मी। प्रतीक, तो बहुत बोरिंग आंसर देते हो यार। यस बेबी, एक्साइटेड हम लोग जा रहे हैं, आप एक्साइटेड हो? हाँ, बहुत एक्साइटेड है मेरे बच्चे। मैं तो घूमने जा रहे हैं। घूमने जा रहे हैं, आपके लिए क्या लाए बताओ, एक कुछ ना कुछ ले गए। तो वहाँ की एक टॉफी ले, टॉफी नहीं, कुछ अच्छा इयररिंग कुछ देखेंगे जो आपको खुशी लौट के आना, खुशी खुशी जाओ, खुशी खुशी। ठीक है, डन, वो भी करेंगे, सबसे बड़ी बट आपको वीडियो कॉल भी करेंगे और ये भी करेंगे, देखते हैं कैसे होगी। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं आप लोग को दिखाने के लिए कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग। मुझे भी खुशी हो रही है। ठीक है, लगू मम्मी, चलिए कैब आगे चलते हैं। हैप्पी जर्नी, थैंक यू। चलो राधास्वामी बाबा जी, चलते हैं, बाय पापा। प्रतीक का ध्यान देना। ठीक है, प्रतीक मेरा ध्यान नहीं देगा? नहीं, आप मेरा ध्यान देना। नहीं तो वो भी ध्यान देगा मेरा। चलिए बाय एवरीबॉडी, सी यू सून, लव यू टू मम्मी, मिस यू। सो गाइस, वी आर वर्किंग ऑन द डेडलाइंस अगेन, बस 45 मिनट्स हम लोग की फ्लाइट हो गया, आपका 45 मिनट्स बोर्डिंग आई के स्टार्ट हो ही चुकी होगी एंड वी आर ऑन द वे टू एयरपोर्ट। जस्ट दैट सेम पेज सेम स्टोरी, हां सेम ओल्ड स्टोरी। पता है क्यों हम लोग डेडलाइन पे चलते हैं, कभी छूट गए ना फ्लाइट? डेडलाइन नहीं है बट इट्स लाइक बिफोर टाइम ही है हम लोग, बट वो होता है कि और जल्दी रेडी। हां, छूट चुकी है एक बार, वो बैंगलोर पे काफी ट्रैफिक लग गया था, तो उसमें मैंने फ्लाइट छूट दी थी। भगवान अभी से शुभ शुभ बातें करते हैं। सो एक चीज़ और है दैट वी आर ट्रैवलिंग इंटरनेशनल, सो हमारा लगेज बहुत हैवी होगा। जस्ट होप कि यहाँ पे एक्स्ट्रा पे ना करना पड़े। सो लेट्स सी क्या होता है। गाइस, 3 kg एक्सेस था एंड वी गॉट ओनली 3 kg ना, ओनली 3 kg, बट तभी भी भाई कुछ लोग बहुत रिजिड होते हैं, वो नहीं देते हैं। इफ यू कमिंग बैक फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ, वहां पे ज्यादा होंगे। अब देखो नेक्स्ट आधे टाइम हम लोग का ऑब्वियसली कम हो जाएगा, बिकॉज फूड हम लोग खा चुके होंगे। तो वो 3 kg जो खाने का है, इतनी शॉपिंग कोई नहीं कर रहा है। एनीवेज, चलो गाइस, एक टंटा तो पूरा हुआ, नाउ लेट्स हेड टू दिल्ली। फिर गाइज, एयरपोर्ट पे मैंने ये बकेट हैट बाय करी ऑरेंज कलर की, मुझे बहुत ही क्यूट लगी। एंड उसके बाद एयरपोर्ट पे हमारी थोड़ी बहुत फाइट भी हो गई थी, आई गेस कपल फाइट्स एट एयरपोर्ट आर मैंडेटरी। तो फिर इतनी कॉफी भी है तभी भी नींद आ रही है। मेरे मालूम है सबको। इसके बाद हम लोग फ्लाइट के अंदर गए एंड यूजुअली मैं आइल सीट्स लेती हूँ, बट दिस टाइम आई आस्क्ड स्पेसिफिकली फॉर द विंडो सीट, क्योंकि मैं आज तक विंडो सीट में लखनऊ का व्यू कभी नहीं देखा है। जस्ट लुक एट इट, लखनऊ लुक सो ब्यूटीफुल एट नाइट फ्रॉम द टॉप। सो गाइज, हम लोग आ गए हैं अपने होटल में इन दिल्ली एंड गेस व्हाट, हम लोगों को जब रात में निकलना है 3 बजे और इन्होंने इतना अच्छा रूम दे दिया है, पता क्यों ऐसा होता है भाई, पता नहीं क्या होता है, क्यों होता है इसका रूम टूर करें और यही रूम टूर हम आपको दिखाएंगे। मतलब ऐसा रूम मैंने देखा नहीं है, बहुत अच्छा रूम दे दिया है। मतलब एज इन इतना, हाँ मेरे बियॉन्ड एक्सपेक्ट, हमने जो रूम बुक किया था पता नहीं क्या अपग्रेड करके दे दिया इन्होंने, अपग्रेड कर दिया है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद दिस मिरर।
पहले तो ये फुल मिरर है एंड देन वी हैव सोफा जहाँ पे मिस्टर प्रतीक अब रिलैक्स कर रहे हैं एंड वी हैव दिस ह्यूज टीवी एंड अ बेड एंड वी हैव अ वर्किंग टेबल ऑल्सो. मतलब रूम एक ही में सब कुछ डाल दिया है. इट्स लाइक अ लिविंग रूम कम बेडरूम एंड वी गॉट अ यू नो बाथ टब. सुबह 3 बजे बाथ टब में कौन नहा के जाएगा बताओ आप लोग. इतना अच्छा बाथ टब दे दिया ही दे दिया है. प्रतीक क्यों करते हैं ये लोग ऐसा हमारे साथ. तो चारा डाला है कि वापसी आना है. हाँ तो मैं उस दिन भी रूम कराना है. हाँ देख लिया दोनों की आंखों में कि इनको अच्छे से अच्छा रूम दे दो ताकि ये करा ले. तुम्हारे आंखों में देख सकते हो तो मेरी रूम चाहिए. मैं बोलूँ मैं वापसी भी करा रही हूँ बट आई वांट दिस रूम. तो गाइज अभी हम लोग ये व्लॉग को यहीं एंड करते हैं एंड अगला जो व्लॉग होगा वो आप लोग देखना. बहुत मजे आने वाले हैं. सो लेट्स एंड दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई एम गोना गो एंड रेस्ट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय.